निर्वासित तिब्बतीन संसद के प्रधानमंत्री के लिए चल रही चुनावी प्रक्रिया में पेम्पा शेरिंग सबसे आगे चल रहे हैं। निर्वासित तिब्बत सरकार के चुनाव आयुक्त बांगडो शेरिंग ने प्रारंभिक परिणाम पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए अब 4 उम्मीदवार ही शेष रहे हैं। इसमें पेम्पा शेरिंग 24,488 वोटों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर केलसंग दोर्जे हैं, जिन्हें 14,544 वोट हासिल हुए हैं। साथ ही 13,363 वोटों के साथ गेरी डोलमा तीसरे और डुगजुन बोटो 10,400 वोट के साथ चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए शेष बचे 4 दावेदारों में 21 मार्च को 2 ही रह जाएंगे। इसके लिए मतों के हिसाब से छंटनी की जाएगी और 11 अप्रैल 2021 को निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री का अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया पूर्ण सीटीए के संवैधानिक व्यवस्था के तहत चल रही है। इसमें पूर्ण तौर पर लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया है और चुनाव पूर्ण पारदर्शी तरीके से हो रहा है। काबिले गौर है कि फिलहाल निर्वासित तिब्बत सरकार के सिक्योंग यानी प्रधानमंत्री डॉक्टर लोबसोंग सांगे हैं, जिनकी ओर से हाल ही में निर्वासित तिब्बतियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। दरअसल सिक्योंग सांगे को पहली मर्तबा दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक प्रणाली के पैरोकार देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपनी संसद में बतौर प्रधानमंत्री आमंत्रित किया और उनकी आवभगत भी की गई। साथ ही निर्वासितों के तौर पर जिंदगी बसर करने के बावजूद भी अपने स्वदेश वापसी और उसके संवैधानिक प्रणाली को जिंदा रखने के लिए जिस लोकतांत्रिक प्रणाली का बीते कुछ दशकों से पालन कर रहे हैं, उसकी तारीफ भी की थी। इतना ही नहीं, अमेरिका ने निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री लोबसांग सांगे को उनकी स्वदेश वापसी के सपने को मुकम्मल करवाने का भी आश्वासन दिया था। जैसे हमारे तिब्बती प्रशासन के निर्वाचन आयोग के अनुसंधान की ओर से जो आज जो है हम लोग ने जितने भी प्रिलिमिनरी जो है रिजल्ट हमने अनाउंस किया है, और उसमें जो टॉप 4 आया है उसमें है पहले जो है मिस्टर पेम्पा शेरिंग, जो कि पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनको 24,488 वोट जो है वो पाया गया। और दूसरे नंबर है उकरसांग केसांग दोजी, जो पहले सचिव थे सोशल रिसोर्स डेवलपमेंट फंड के, तो उनको 14,544 जो है वोट पाया है। और तीसरे नंबर है मैडम गेरी डोमा जी, जो कि पूर्व गृह मंत्री थे, तो उनको 13,363 जो है वोट पाया है। और 14 नंबर पे है मिस्टर डुंगजुंग मोटू, जो कि पहले सिक्योरिटी कॉलोन थे, तो उनको 10,200 वोट पाया गया। उसमें जो टॉप दो में से कोई एक जो है वो हो जाएगा बाद में जो है ना। अभी जो है हम लोग ने 6 निकल दिया, 6 निकलने के बाद में 21 मार्च को हम लोग जो है वो इसमें से 2 निकलेंगे, और 2 में से एक को चुनना है वो इलेक्शन के थ्रू से। फाइनल इलेक्शन कब है सर? फाइनल इलेक्शन जो है वो 11 अप्रैल को है। फाइनल इलेक्शन जो होगा वो टॉप के कितने कैंडिडेट्स होंगे जो इलेक्शन? उसमें 2 है, 2 ही हो, सीओ में 2 होगा, सीओ के टॉप के 2 कैंडिडेट्स। थैंक यू। हां जी।